और कितनी देर में संबोधन, कितना वक्त और लगेगा सभी का अभिवादन स्वीकार करने में, क्योंकि घूम घूम करके हर हिस्से में प्रधानमंत्री मोदी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना वक्त और लगेगा उनके संबोधन की शुरुआत होने में? और यहां से आपने फिर कहा कि बाबा के दर्शन के लिए निकलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इस स्टेडियम से वहां की दूरी कितनी होगी नीतीश, वो भी जरा बताएं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस बार के जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह के किए गए हैं कि एक और जनता और जनता के किनारे किनारे बल्लियां लगाई गई है ताकि प्रधानमंत्री चारों तरफ से इस मैदान में जो जनता है उसका अभिवादन स्वीकार कर सके, उनसे मिल सके, उनके बीच जा सके। क्योंकि इस जो कार्यक्रम के शुरुआत की आप जो बात कह रही है तो कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है और महज अब से 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री मंच पर होंगे। मंच पर प्रधानमंत्री लगभग एक घंटे का समय, 45 मिनट का समय है जो प्रधानमंत्री को मंच पे रहना है और प्रधानमंत्री मंच से अभिवादन होगा, अभिवादन के बाद संबोधन, संबोधन के बाद फिर एक बार कार्यक्रम के समापन का यहाँ पे घोषणा होगी कार्यक्रम के समापन की, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से बाबा विश्वनाथ के दरबार के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बताएं कि जब प्रधानमंत्री बाबा के दरबार की ओर रवाना होंगे तो उस दौरान सड़क पर, सड़क के किनारे किनारे जो पब्लिक होगी उनके लिए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए, क्योंकि काशी है, कहते हैं कि काशी में प्रधानमंत्री बाबा के दरबार में जब पहुंचते हैं तो वैसे भी पब्लिक आतुर रहती है, लेकिन बाबा का दरबार, कहते हैं कि बाबा का दरबार जिस तरह से बदलाव का बड़ा एक संदेश हो गया है, कहा जाता है कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम जब से बना है तब से कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश विपक्ष को, एक बड़ा संदेश विकास को लेकर कहीं ना कहीं गया है, तो उस विकास को लेकर भी प्रधानमंत्री आज कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे तो जगह जगह पर प्रधानमंत्री का स्वागत करेगी जनता, इसे हम अघोषित रोड शो कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री यहां से सड़क मार्ग द्वारा बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचेंगे तो उस दौरान जब जनता का अभिवादन लेंगे या जनता के अभिवादन को स्वीकार करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अघोषित रोड शो से उसकी तुलना की जा सकती है। हालांकि बीजेपी की ओर से किसी रोड शो की बात नहीं कही गई है और अभी कुछ देर पहले ही ये बातें सामने भी आई है कि प्रधानमंत्री बाबा के दरबार में दर्शन भी करेंगे, तो सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पे चाक चौबंद है और यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था है। और आप देखें अब कुछ ही क्षणों में वो समय होगा जब यहाँ पर पहुंची हुई जो जनता है वो प्रधानमंत्री को सुनेगी, वो प्रधानमंत्री के जो वचन है वो प्रधानमंत्री के अभिवादन को सुनेंगे, अभी प्रधानमंत्री को जानेंगे कि क्या है आखिर उनके मन में इस पूरे पूर्वांचल विजय का, पूर्वांचल के फतेह का बूथ स्तरीय जो मंत्र है वो प्रधानमंत्री क्या देते हैं, किसको क्या बताते हैं, जो बूथ स्तरीय जो यहाँ पर कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे हैं उनको प्रधानमंत्री कौन सा मंत्र देते हैं, ये सारी बातें हम थोड़ी ही देर में देखने वाली बात होंगे। लेकिन अब देखिए मंच पर अलर्ट हो चुका है, जो यहाँ के प्रत्याशी है वो कुर्सियों पर विराजमान है और प्रधानमंत्री अब थोड़ी ही देर में इस मंच पर पहुंचेंगे और यहाँ की जो जनता है उसे मंच से संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार से रवाना होंगे। तो आज काशी में प्रधानमंत्री के आगमन के लिहाज से अहम दिन है, चुनाव के लिहाज से अहम दिन है, क्योंकि जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूं कि पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री जब चुनावों के समय काशी आते हैं तो समीकरण बदल जाते हैं, हवा किसी के भी हो, लेकिन कहा यह जाता है कि जब प्रियम का आगमन होता है और कहीं ना कहीं प्रियम अपने अंदाज में भाइयों और बहनों का नारा जब शुरू करते हैं तो अपने आप में वो फिजा जो है वो बदलती हुई नजर आती है। तो अब ये देखना है कि जो फिजा है वो किस तरह से बदलती है, जिस तरह से जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है, लगातार मोदी मोदी का जो उत्साह है वो दिखाई दे रहा है, तो अब जो बदली हुई फिजा है क्या असर दिखाती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब जो संपूर्ण का मैदान है वो पूरी तरह से भगवामय हो चुका है, मोदीमय हो चुका है और हर कोई मोदी मोदी कहता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ जबरदस्त भीड़ दिखाई देगी और इस भीड़ में भारी उत्साह दिखाई देगा, सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से नारा लगाते हुए और अपने उत्साह को प्रकट करते हुए दिखाई देंगे। कुछ ही क्षण अवशेष रह गए हैं जब प्रधानमंत्री मंच पर आने ही वाले हैं और मंच पर आकर प्रधानमंत्री यहाँ पर जनता का एक बार अभिवादन और संबोधन में अब सबकी निगाहें इस पर है कि प्रधानमंत्री संबोधन में क्या बोलते हैं, क्योंकि
लगातार जो बुद्ध तरह पहले भी जो जज कहे कि यहाँ पर अमित शाह जी आए, अमित शाह जी कराए तो उन्होंने जो भूत का जो मैनेजमेंट है उसको पूरी तरह से चार चौबंद करने की जो कार्यकर्ताओं को कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर नारा भी दिया कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, अब जबकि चुनाव नजदीक है और पूरे पूर्वांचल पर सबकी नजर है क्योंकि बनारस पूर्वांचल का केंद्र और बनारस विकास का केंद्र और जिस तरह से 5 सालों में विकास हुआ है उत्तर प्रदेश के पूरे विकास का एक बड़ा नारा बनारस से होकर गुजरता है। बनारस में जिस तरह से कहा जाता था कि पहले कहीं ना कहीं जो विकास की जो धारा थी वो उस तरह नहीं बची थी, यहाँ सड़कें बनी, यहाँ बाबा के काशी विश्वनाथ का धाम बना, यहाँ पर जो रेल की सुविधाएं, बसों की सुविधाएं, इलेक्ट्रिक बसों की सुविधाएं, जो ऑटो रिक्शा हुए उनका एक बदला हुआ रूप दिखाई दिया, जो यहाँ पर बैटरी रिक्शा चले उनका मतलब यानी छोटी से बड़ी चीज जो काशी को बदलाव की ओर ले गई वो बनारस मॉडल के तौर पर सामने आई और साफ तौर पर ये सामने दिखता रहा कि किस तरह से इस पूरे चुनाव का केंद्र मॉडल बनारस बना। तो अब उस बनारस में प्रधानमंत्री मौजूद और थोड़ी ही देर में मंच पर प्रधानमंत्री का आगमन और प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही अब कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद है कि देखें किस उम्मीद में कार्यकर्ता है कि प्रधानमंत्री आखिर क्या बोलते हैं, मंच से वो कौन सा मंत्र देते हैं जो बूथ को जीतने में कहीं ना कहीं सहायक हो। और फिर बूथ जीतना नहीं ऐतिहासिक चीज जिसको कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जिसके दावे कर रही है कि अब ऐतिहासिक जीत का समय है, तो ऐतिहासिक जीत को सामने लाने में किस तरह से ये पूरा मैनेजमेंट सामने आता है। प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में अब मंच पर आने वाले हैं और हर ओर आप देखिए यहाँ पर नारे लग रहे हैं, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है मोदी जी का स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है लगातार नारे लगा रहे हैं और पूरी तरह से जोश से भरे हुए कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं।